नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं झांसी से। आपको पहली खबर बता दें जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच बोर्ड की परीक्षाएं हुई हैं। आपको बता दें कि जनपद में बोर्ड परीक्षा के 74 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं बोर्ड परीक्षा में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के 49,000 बता दें कि 256 परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। वहीं परीक्षा केंद्र में 100 मीटर के दायरे में ही आने जाने में प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए खबर आपको महोबा से बता दें जहां पर यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से शुरू हो गई है। परीक्षा के पहले ही दिन हाई स्कूल में हिंदी की परीक्षा हो रही थी, जबकि इंटर के बता दें कि सैन्य विज्ञान और साथ ही दूसरी पाली में हिंदी और समान हिंदी की परीक्षा हुई है। बोर्ड परीक्षा में नकल पर निगरानी के लिए प्रशासन सख्त बरत रही है और साथ ही कंट्रोल रूम में परीक्षा केंद्रों पर पैनी नजर देखने को मिली है। नकल विहीन परीक्षाएं कराए जाने के लिए वो कदम उठाए जा रहे हैं जो जरूरी है। यही वजह है कि उत्तर पुस्तिका की हेरा फेरी और साथ ही उनके दुरुपयोग के लिए रोकने के लिए इस बार वर्ष क्रमांक और सुरक्षा कोड और साथ ही उत्तर पुस्तिका के दो रंग में दिया गया है। महोबा जनपद में 33 केंद्रों में हाई स्कूल की परीक्षा शुरू हुई है, जिसमें से 23,675 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। नहीं, बच्चों की पढ़ाई का तो डर नहीं है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है, साल भर मेहनत करी है, तो इसके हिसाब से डर नहीं है। और आज मेरे बेटे का जो है हाई स्कूल का पहला पेपर है और हिंदी का पेपर है। मखोललाल इंटर कॉलेज महोबा में पढ़ा हुआ है इनका सेंटर, और ज़्यादा डर नहीं है वैसे, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से की है और सभी बच्चे कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, सभी बच्चे कर रहे हैं। सरकार चीटिंग करने वालों के ऊपर NSA लगाएगी, क्या कहना है इसके लिए? NSA के लिए तो ऐसा है कि जैसे बच्चों ने अगर पढ़ाई करी है तो उनको चीटिंग या जो है नकल नहीं करना चाहिए। नकल विहीन परीक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और वाकई में जो है बच्चों को नहीं करना चाहिए नकल। और अगर ऐसा NSA का प्रावधान है तो उसमें कम से कम एक बच्चों को डर रहेगा कि हम नकल नहीं करें, तो कम से कम पेपर अच्छी तरीके से दें, अपने स्वयं कॉन्फिडेंस दें और अपने मन से पेपर दें वो। क्या शुभ नाम भाई? पवित्र पाटकर, मेरा बेटा यहीं पे आज पेपर देने भी आया हुआ है। मतलब कहाँ आए हैं? जो मकुंदलाल तिवारी इंटर कॉलेज है वहाँ अपने बच्चे को छोड़ने आए हैं। हमारे बच्चे का आज एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम। क्या नाम बच्चे का? पृथ्वीराज तिवारी, कक्षा 10 का छात्र है, हिंदी का पेपर है आज। उत्कर्ष पाटकर नाम है मेरा, मैं मुकुंदलाल मेरा सेंटर पढ़ा है और हिंदी का पेपर है मेरा। किसी प्रकार का कोई डर अंदर? नहीं, डर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अच्छा पेपर जाएगा और डर नहीं है बिल्कुल। योगी सरकार भले ही बलरामपुर रोक लगाने की बात कहते हैं, किंतु रायबरेली में बता दें कि प्राथमिक विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बच्चों के मजदूर की तरह काम लेते हुए रोड किनारे PWD के ईंटों में बच्चों से चोरी करवा रहा था और इसी कारनामे को स्थानीय पत्रकार ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। इस दौरान जो गुरु जी है वे झल्लाते हुए नजर आए हैं। पत्रकार से अभद्रता कर उनका मोबाइल फोन छीना गया है। ग्रामीणों के बीच बचाव का मामला शांत हुआ है। दरअसल पूरा मामला जिला के बता दें कि सोलन तहसील क्षेत्र स्थित मटका गांव का बताया जा रहा है, जहां पर से होकर गुजरने वाले सोलन जगतपुर मार्ग के चौड़ीकरण के लिए PWD द्वारा सीमेंट के पुराने ईंटों के निकालकर रोड के किनारे लगाया गया था और आज प्राथमिक विद्यालय मटका के प्रभारी प्रधानाध्यापक ने बच्चों को डांट डपेटते हुए मौके पर खड़े होकर ईंटों को बता दें कि बच्चों से उठवाने लगे थे। तभी डी थाना क्षेत्र के एक पत्रकार ने यहां नजारा कैमरे में कैद कर लिया। गुस्साए और झल्लाए शिक्षक ने पत्रकार को घसीटकर उसका फोन छीनकर अभद्रता से कर डाली है, जिसके बाद से ग्रामीणों ने बीच बचाव पर मामला शांत हुआ है। स्थानीय ग्रामीण ने दबंग प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ बता दें कि मामला दर्ज करवाने की बात कही है। यहाँ पे ये हुआ है कि ये यहाँ पे ईंटे 2 मीटर का इन्होंने सामने का उठवा लिया। कौन सा रास्ता है ये? ये PWD का है। नहीं, रोड कहाँ से? सलवन जगत को। बच्चों से ईंटा ढुला रहे थे, अंदर रखवा रहे थे और उसके बाद एक पत्रकार आया, वीडियो बनाने लगा तो उसको अंदर ले गए, गेट बंद कर लिया, उसको मारने की धमकी दिया, उसका मोबाइल छीनने लगे और ठेकेदार को भी धमकाया इन्होंने। आज हम जो है रोड से जा रहे थे तो सूरज पत्रकार हैं, एक अग्रहरी जो डी क्षेत्र के हैं, जिला रो हैं,
वो वीडियो बना रहे थे जिसमें जो है PWD का इंस्टा जो है प्रधानाचार्य प्राथमिक विद्यालय मटका के जो है अंदर करवा रहे थे, बच्चों से ढुलवा रहे थे, वो खड़े थे और बच्चे इंस्टा ढो रहे थे। आज मैं जो है कि 2023 का UP बोर्ड परीक्षा चल रहा था, तो इसी के सिलसिले में हम आज स्कूलों में निकले थे, तो रास्ते से गुजर रहा था तो ग्राम सभा एक मटका पड़ा, तो यहाँ पर PWD का ईंटा जो है प्राइमरी के विद्या अध्यापक जो है बच्चों से ईंटा चोरी करवा के जो है स्कूल के अंदर ले जा रहे थे। उसके बाद जब हमने ये देखा तो हमने वीडियो बनाना चालू किया। उसके बाद हमसे पूछे आप कौन है, हमने बोला मैं सूर्या TV का पत्रकार हूँ, तो उन्होंने हमें पकड़ के ले गए अंदर से, बोले वीडियो डिलीट कर दो नहीं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर मुकदमा लिखवा दूंगा और तुमको अभी यहीं पर मारूंगा। अरे कर लो। 33वीं वाहिनी PCS बता दें कि राजगढ़ झांसी में चल रही अंतर वाहिनी फुटबॉल प्रतियोगिता का समापन हो गया है। फाइनल मैच बड़ा ही रोमांचक रहा है। यहां पर मुकाबला सुबह 7 बजे से। बता दें कि 78वीं वाहिनी सोनभद्र बनाम 36वीं वाहिनी रामनगर वाराणसी के मध्य में खेला गया है। इस मुकाबले में खासियत यही रही है कि 33वीं वाहिनी के बता दें कि सेना नायक KP यादव मुख्य निर्णायक के रूप में स्वयं मैदान पर पूरे खेल के दौरान उपस्थित नजर आए और इस दौरान लगातार खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते नजर आए। बता दें कि PSC राजगढ़ के सेनानायक KP यादव के निर्देश पर चल रहे 27वीं अंतरवाहिनी PSC पूर्व जोन फुटबॉल प्रतियोगिता में PSC के 10वीं टीमों द्वारा प्रतिभाग किया गया है, जिसका निर्णायक मुकाबला 78वीं वाहिनी सोनभद्र बनाम 36वीं वाहिनी रामनगर वाराणसी के मध्य खेला गया था। ये पूर्वी जोन का जिसमें 10 बटालियन आती हैं 13 से लेकर 16 तक, ये प्रतियोगिता जो है फुटबॉल का हम लोगों ने संपन्न कराया और इसको में सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बड़े अनुशासन में रह के खेल भावना का परिचय दिया। 36 बटालियन ने फाइनल में 48 को हरा के विजयश्री प्राप्त की। इस प्रतियोगिता को संपन्न कराने में हमारे स्टाफ के शिविरपाल विजय राज सिंह, सैन्य सहायक अरविंद राय और हमारे सभी निर्णायक मंडल के सदस्य बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। मैं उन सबकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं। पीलीभीत में पुलिस अधीक्षक अतुल शर्मा के निर्देशन पर हाईस्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा में दृष्टिगत जनपद के सभी परीक्षा केंद्रों पर किए गए हैं। इस दौरान कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस दौरान जनपद में सभी थाना प्रभारियों द्वारा अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहकर परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण भी किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी धर्मवीर सिंह 27 जनवरी को जनपद औरैया स्थित अंतरामन टोल टैक्स से लखनऊ चिंतन शिविर में जा रहे थे, तभी टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ अभद्रता की है और साथ ही राष्ट्रीय सचिव को रोका भी है, जिसके विरोध में आज भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष औरैया और मंडल अध्यक्ष अनिल यादव ने धरना प्रदर्शन किया है। साथ ही भविष्य में किसानों के साथ इस तरह का व्यवहार न किया जाए और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं की तरह किसान यूनियन के पदाधिकारियों की गाड़ियों भी टोल फ्री की जाए, इस संबंध में उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। हमें ये नहीं पता है किस किस की सूची है और किस किस की सूची नहीं है, इस बात की हमें जानकारी नहीं है, हम नहीं कह सकते। हम तो किसान यूनियन की बात कर रहे हैं, किसानों राजनीतिक की, इस बात का हमारे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है कि यहाँ बिना मैसेज की गाड़ी निकलती भी हैं या नहीं निकलती हैं, उनकी हम कोई बात नहीं करना चाहते, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं। और अगर इस तरीके से निकलती हैं तो ये गलत परंपरा है, नहीं निकलनी चाहिए। और उनका क्या है क्या नहीं है वो टोल वाले समझें। देखिए, हमारा एक दिवसीय कार्यक्रम था, हमारे राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ता 27 जनवरी को हम किसान यूनियन का प्रयागराज में चिंतन शिविर था, वहाँ हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी निकल रहे थे, 27 जनवरी को यहाँ रोका गया, अभद्रता की गई, इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ शांतपूर्वक तरीका से यहाँ पर धरना किया। जो SDM महोदय, यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं, वो आए, हमारी उनसे वार्ता हुई, कुछ शर्तें हमने रखी,
उन्होंने मानने का आश्वासन दिया और हमारे पदाधिकारियों को निकलने का आश्वासन दिया। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रनाथ गिरे ने एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने इस्लाम की उत्पत्ति इंसानों के द्वारा की गई है और साथ ही अल्लाह कौन है और कौन क्या है यह बात हम नहीं जानते हैं ये बातें कही है। साथ ही बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि PFI सिमी अलकायदा से जुड़े एजेंट घर घर में मौजूद है और जब तक उनको चुन चुन कर खत्म नहीं किया जाएगा तब तक भारत सुखद भविष्य की कल्पना नहीं किया जा सकता। वहीं उन्होंने बागेश्वर धाम बाबा के हिंदू राष्ट्र के बयान की समर्थन करते हुए भारत सदा से ही हिंदू राष्ट्र का रहा है ये बातें कही है। दरअसल संभल में एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रनाथ गिरी के मौलाना मदनी के ओम और साथ ही अल्लाह के बयान पर उन्होंने ये सारी बातें कही है। मदनी की बुद्धि पर हमको तरस आता है। ओम इस ब्रह्मांड का कारक है और इस्लाम इसको आए हुए अभी 1400 वर्ष हुए हैं और वह भी एक आदमी के द्वारा उसकी स्थापना हुई है। कौन अल्लाह है कौन क्या है हम नहीं जानते, लेकिन इस्लाम अपने आप में मानवता का भी धर्म नहीं है। तो मदनी जैसे लोगों की बात पर कोई टिप्पणी करना हमको उचित नहीं लगता है, क्योंकि टिप्पणी वहां की जा सकती है जहां कोई व्यक्ति सिद्धांत के आधार पर, शास्त्र के आधार पर, सत्यता के आधार पर बोलता है। मथुरा में SDM सदर अजय जैन ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया है। इस दौरान सदर SDM अजय जैन ने बताया है कि सभी परीक्षा केंद्रों में व्यवस्था दुरुस्त पाई गई है। कुछ परीक्षा केंद्रों पर कमियां मिली है तो उन्हें चिन्हित किया गया है, चेतावनी भी दी गई है। तो हमारी तहसील में जो तहसील मथुरा है उसमें टोटल 34 सेंटर बनाए गए हैं। इसमें सभी जो 34 सेंटर हैं उसको सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी सेंटर पर स्टैटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक, सहायक केंद्र व्यवस्थापक लगाए गए हैं। उसके अलावा सचल दल भी यहाँ पे लगाया गया है जो निगरानी रख रहा है, और पूरी जो टीम है उसकी यही उद्देश्य है कि जो भी परीक्षा हो रही है वो नकलविहीन और सुचितापूर्ण करवाई जाए। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और साथ ही इंटर की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई है। इस दौरान जिले के 174 केंद्र बनाए गए हैं। जिले में नकल रोकने के लिए अधिकारियों की पूरी तैयारी कर ली है। परीक्षा में नकल करने वाले, गड़बड़ी करने वाले पर CCTV से नजर रखी जाएगी और साथ ही कोई भी व्यक्ति नकल करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फरुखाबाद में हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों में 51,297 छात्र छात्रा जिले के बोर्ड परीक्षा देंगे और इस दौरान बता दें कि 89 स्टैंडिंग मैजिस्ट्रेटेड, साथ ही बता दें कि परीक्षा केंद्रों की निगरानी कर रहे हैं और इस मौके पर 6 जोन 11 सेक्टर में बांटा गया है। यूपी के पीलीभीत जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक महिला ने आरोप लगाया है कि घर में घुसकर कुछ लोगों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया है। इसके साथ ही घर में तोड़फोड़ की गई है। बता दें कि इस दौरान भांजी को भी आरोपियों के द्वारा मारा पीटा गया है और उसके बाद आरोपी फरार हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है तो वहीं आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। दरअसल सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ले भूरे खां की रहने वाली सरताज बी का आरोपी है क्या मोहल्ला। बता दें कि फिलखाना में रहने वाली हारून की बेटी लगभग बीते 10 दिन से गायब है। हारून को शक है कि उनके बेटे आदिल उनकी लड़की को कहीं ले गया है, जबकि आदिल घर पर ही मौजूद है। आरोपी है कि शक के आधार पर देर रात मोहम्मद हारून और साथ ही उनके कुछ अज्ञात साथियों ने घर में घुसकर घर में तोड़फोड़ की है और विरोध करने पर चाकू से सरताज बी के ऊपर हमला कर दिया है जिससे उनके हाथ में चाकू लग गई है। मौके पर पहुंचे सदर कोतवाली पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करा लिया। वहीं आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है।
वो जो टवल्टी पे काम करते हैं हारून भाई, उन्होंने आके सबसे जबरदस्ती करी और ये पहले तो गाली गलौज बहुत कर रहे थे, क्यों बदतमीजी कर रहे थे, क्यों क्या वजह थी? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरी लड़की तुम्हारा लड़का भाग, इल्जाम हमारे यहाँ आके लगा रहे हैं। अच्छा, और रोज कम से कम 8-10 दिन से आ रहे हैं डेली के तुम्हारा लड़का ले गया ये वो और क्या बोलते हैं। और जब हम लोगों ने कहा कि कहते हैं कि वो करो रिपोर्ट, तो रिपोर्ट करने रहे और थप्पड़ भी मारा मुझे और मुझे धक्का दिया। स्वस्थ भारत मिशन के तहत अतिक्रमण हटाया जा रहा है। इसी दौरान झोपड़ी में आग लग गई थी, वही महिला ने अतिक्रमण हटाने के दौरान झोपड़ी में आग लगने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस महिला को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यूपी के पीलीभीत जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र में पुस्तकालय और साथ ही पठानी मस्जिद के पास एक संदिग्ध परिस्थिति में एक युवक का शव बरामद किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि मोहल्ला फारूक का रहने वाले 30 वर्षीय बंटी पठान मस्जिद के पास घूमता हुआ देखा गया। देर रात बंटी का शव एक चबूतरे पर पड़ा हुआ बरामद किया गया है, जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच पड़ताल लगातार जारी है। और बता दें कि पीलीभीत का ये पूरा मामला जहां पर एक युवक का शव मस्जिद के बाहर बरामद किया गया है, पुलिस लगातार इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और साथ ही बता दें कि इस युवक को यहाँ मस्जिद के बाहर घूमते हुए देखा गया था और इसके बाद से इसकी वहाँ पर शव बरामद की गई है, जिसके बाद से लगातार पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शव को कब्जे में ले लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के लोचरखेड़ा गांव में गंगा कटरी के पास देर शाम गंगा में नाव उतारने को लेकर दो पक्ष में विवाद हो गया और जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसके चलते बाद में बता दें कि दबंगों ने फायरिंग भी शुरू कर दी। घटना में करीब आधा दर्जन से लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहाँ युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस दोनों पक्षों की तहरीर का इंतजार कर रही है। फिलहाल मामला गंभीर देख मामले की जाँच पड़ताल कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है और साथ ही पुलिस फायरिंग की घटना से इनकार करते हुए नजर आ रही है। वहीं अब खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर आज रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। स्टेशन बता दें कि रेलवे स्टेशन के दक्षिण छोर आउटर पर दो मालगाड़ी एक ही ट्रैक पर आ जाने से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल आपको बता दें कि दोनों मालगाड़ियों के लिए एक ही ट्रैक पर आ जाने से आमने सामने मालगाड़ियों की जोरदार भिड़ंत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सो रहे लोग ये समझकर घर से बाहर निकल गए कि भूकंप आ गया है। गनीमत ये रही कि ये ट्रेन सवारी गाड़ी नहीं बल्कि मालगाड़ी थी। भिड़ंत इतनी तेज थी कि ट्रेन के आधे दर्जन से अधिक डब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पलट गए हैं। सुबह सवेरे इस तरह के हादसे के बाद से रेलवे की घोर लापरवाही उजागर होते हुए दिख रही है। सब अभी रेलवे स्टेशन पे एक हादसा सुबह हुआ है, कितने लोग घायल हुए हैं हॉस्पिटल में जी। अभी रेलवे स्टेशन पे जाना था, दो गाड़ियाँ आपस में आमने सामने आ गई, इसमें चार लोग जो है घायल हैं और चारों ही ड्राइवर्स हैं, दोनों इंजन्स के प्रॉब्ली ड्राइवर्स हैं। चार लोग आए हुए हैं हमारे पास मेडिकल लीगली, उनको अभी तो फिलहाल ठीक है, स्टेबल है, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। दो को हमने भर्ती कर लिया है और उनपे जो आवश्यक और इन्वेस्टिगेशन है, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड। और आप लोग बता दो कि कब से आ रहे हैं? मैनपुरी में हाई स्कूल और इंटर योग्यता वाले अस्पताल चलाते नजर आए हैं। इस दौरान डिलीवरी के दौरान एक महिला की मौत भी हो गई है। हालत बिगड़ते देख चिकित्सकों ने महिला को बाहर निकाल दिया। आपको बता दें कि आए दिन जीवन धारा हॉस्पिटल सुर्खियों में बनी रहती है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग लीपापोती करती हुई नजर आती है।
कासगंज में गैस रिफिलिंग करते हुए दुकान में अचानक भीषण आग लग गई है। वहीं आग लगने से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने किसी तरीके से आग पर काबू पाया है। संभल में बोर्ड परीक्षा के दौरान बड़ी प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। दरअसल परीक्षा केंद्र के पास बता दें कि फोटो स्टेट की दुकान खुली हुई थी। परीक्षा केंद्र में 100 मीटर के दायरे पर ही फोटो स्टेट की दुकान खुली हुई थी। वही पूरा मामला संभल के कस्बा बबूराला का है बताया जा रहा है। रायबरेली में घर से परीक्षा देने जा रहे छात्रों का उस समय एक्सीडेंट हो गया जब अज्ञात वाहन ने उसकी मोटरसाइकिल में पीछे से टक्कर मार दी है। छात्र सड़क पर गिर गया, वही बता दें कि जिससे उन्हें गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात वाहन चालक काफी तेज रफ्तार में आ रहा था और उसने यूपी बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे छात्रों को टक्कर मार दी है। वही टक्कर मारने के बाद से मौके पर वे फरार हो गया। वही छात्र बचरावा कोतवाली क्षेत्र के मोनहार कटरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका सेंटर कस्बे के ही उत्कृष्ट इंटर कॉलेज में था। समोधा गांव के पास ये पूरी घटना घटी है, जिसके बाद से छात्रों ने तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बचरावा छात्र को पहुंचाया। मतलब ये हम लोग आ रहे थे तो गाड़ी चला रहे थे मेरे साथ, तो उधर से मुड़ी गाड़ी से तो उन्होंने साइड कर दी, तो गड्ढा वहाँ पे मिल गया। हाँ, तो गड्ढा मिल गया, तो गड्ढे में उन्होंने गाड़ी पका दी, तो गाड़ी थमी नहीं, गिर गई। अच्छा, तो इनको चोट लग गई है। इनका पेपर है क्या? हाँ, इनका भी, मेरा भी है। कौन सी क्लास का है? हाई स्कूल का। कहाँ पर पेपर होगा? उत्कर्ष। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।